नमस्कार, आप सबका मेरा YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र 36 होने वाली है। देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि सर आप मेरी पीछे का नहीं बताएंगे, यानी अभी मुझे 0 से 36 के बारे में नहीं बताना। 36 के आगे ये कह रहे हैं कि मेरी फ्यूचर आप बस केवल बताएं, जिसके अंदर इन्होंने क्वेश्चन पुटअप करा है कि क्या मैंने लॉ किया हुआ है, क्या मैं अपना काम कर सकती हूँ, पति की सरकारी नौकरी है, मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं मेरा घर बन पाएगा नहीं बन पाएगा, ठीक है, दो बेटी हैं क्या, आगे और संतान है या नहीं है, ठीक है, और जिंदगी में स्वास्थ्य कैसा रहेगा, ये पूछना चाह रही हैं। अपने पति के लिए कुछ करना चाहती हैं, वो है। अब वो भी देखेंगे, सबसे पहले इनका मूलांक देख लेते हैं। मूलांक इनका साथ है, किसी व्यक्ति का मूलांक अगर साथ होता है तो अलौकिक प्रभाव छोड़ता है, चीज़ों को गुप्त रखने में माहिर होते हैं, नज़र बहुत तेज होती है और कोई बात छुप नहीं सकती, छोटी से छोटी बात भी इनके दायरे में आती है, इंटेलिजेंट होते हैं, निपुण होते हैं, अच्छे विचारक भी होते हैं, मेहनती भी होते हैं, सेंसिटिव भी होते हैं, अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने व्यक्त नहीं कर पाते, कई बार नुकसान उठाना पड़ता है और यही कारण होता है लोग इन्हें निर्दयी समझते हैं। केतु ग्रह से प्रभावित होते हैं, गुप्त स्वभाव होता है, चुस्त होते हैं, कभी सुस्त होते हैं, नई टेक्नोलॉजी को सीखना पसंद करते हैं, दो व्यक्तित्व के स्वभाव जीते हैं और यात्रा करने का शौक होता है। शिक्षा में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है मन लगता है, कला शास्त्र रसायन विज्ञान इन सब के विषयों में अच्छा करते हैं, दूरदर्शिता की बात आए, गंभीरता की बात आए, गहराई की बात आए, अपने कर्तव्य निभाते हैं, सेवाकन भी होते हैं, रिसर्च में भी जाते हैं, डॉक्टर नर्स साइंटिस्ट सामाजिक कार्यकर्ता अर्थशास्त्री एस्ट्रोलॉजी और दूध केमिकल डेयरी मछली पालन मनोचिकित्सक टीचर नेवी और दवाइयों के काम में सोने चांदी के काम में एजेंसी अनुसंधान में अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। पैसा भी उम्र के साथ साथ आता है, सेविंग कम होती है, गंभीर प्रवृत्ति होने के कारण दोस्त दोस्ती कम होती है लेकिन पक्के दोस्त होते हैं, और फीमेल में प्रेम भावना अधिक होती है, अपने पति से और बच्चों से बहुत प्रेम करती है, वैवाहिक जीवन ठीक होता है और फीमेल का व्यक्तित्व मजबूत होता है, गलतियां ढूंढने में माहिर होते हैं, रीति रिवाज पसंद नहीं करते समाज के, लिटरेचर संगीत डांस फाइन आर्ट्स विशेष रुचि रखते हैं, उदार प्रवृत्ति के होते हैं, 2, 7, 16, 6, 16, 25 तारीख अन के लिए अच्छी होती हैं, जिंदगी की घटनाएं या तो इन्हें अर्श में या फर्श में, जिंदगी की घटनाएं या तो ऊंचाई पर ले जाती है या नीचे ले जाती है, कारण विस्फोटक ग्रह होता है केतु। लोग ये लोग राजनीति में, पत्रकारिता में, फिल्म में, पब्लिक पॉपुलरिटी के शो में अच्छा करते हैं, इंट्यूशन पावर भी होती है, नेगेटिव भावना भी होती है, पॉजिटिव भावना भी होती है, आलसी भी होते हैं ये लोग। तो मुद्दा क्या है, ये तो एक मूलांक रहा, अब थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। देखो इन्होंने कहा मेरी सरकारी नौकरी भी पूछा है कि लग सकती है नहीं लग सकती है, वो भी मुझे बता दीजिए। वो भी देखेंगे, सबसे पहले इनकी हथेली देख लेते हैं। इनकी हथेली एक रेक्टेंगुलर शेप है और चौड़ी भी है, व्यक्ति मेहनती भी होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनकी उंगली को, देखो ये उंगली का ये पोर्शन ये है, जब भी बड़ा होगा व्यक्ति इंटेलिजेंट तो बहुत होगा, इंटेलिजेंट तो बहुत होगा, थोड़ा सा हट के भी चल रहा है, अपनी चलाने वाला व्यक्ति होता है, जो जो मन में आ जाएगा वो करेगा, थोड़ा पैसा कमाने में भी ये, जब भी कोई उंगली अगर हट जाएगी उस एरिया से और वो अंगूठे की जाने की तरफ कोशिश करती है, तो हमेशा मैं बोलता हूँ कि व्यक्ति अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ उपलब्धि, कुछ ना कुछ अलग सोच का, ब्रॉड माइंडेड का होता है, वो उस तरफ जाने की कोशिश करता है। एनीवे ये एक अच्छा साइन है, ऊपर से थोड़ा सा भी अगर ये कोई भी उंगली अगर आती है तो उसके गुणों में बढ़ोतरी होती है। एनीवे अब ये उंगली बड़ी है, यहाँ पर ये उंगली छोटी, ये मोटी भी है, ऊपर से नुकीली भी है, तो ये भी दिक्कत देती है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में भी दिक्कत आती हैं, और दूसरा मैरिज लाइफ में भी आती हैं, तीसरा ये है कि ये थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन लेवल सबसे बढ़ा देती है, केवल घर पे ही नहीं, जितने लोग बाहर के होंगे, आपकी सहेली होंगी, आपके दोस्त होंगे, आपके पार्टनर होगा, कोई भी होगा, यहाँ तक कि बच्चों से भी एक्सपेक्टेशन लेवल बढ़ जाता है। अगर उनके मार्क्स कम आ रहे हैं, बेटा नहीं तुम और लेके आओ, क्यों, क्योंकि ये इनकी एक आदत होती है कि अपने ये अपने आप को
आगे रखने के चक्कर में एक्सपेक्टेशन सब लोगों से इतना बना लेते हैं, इतना बढ़ा लेते हैं कि इससे ये चीज़ मिल सकती है, इससे ये हो सकता है, और जब वो चीज़ें पूर्ति नहीं होती, बच्चे मेरे बहुत मदद करेंगे, नहीं होती तो हर्ट होना शुरू हो जाती। ये उंगली जितनी बढ़ेगी, अभी तो बराबर की पोजीशन पर है, पर लेकिन फिर भी हल्की सी भी बड़ी हो तो दिक्कत दे सकती है। तो इसका भी ध्यान रखो। नीचे का फर्स्ट फैलेंज, जो लास्ट फैलेंज है, ये चपटा है। अगर कोई काम करो तो स्टेबिलिटी की ओर जा सकता है। कोई अपने घर का भी काम करोगे तो अपने जिम्मेदारियों के हिसाब से काम करो। कुछ करना चाहती हैं जिंदगी में, पति के कि बिजनेस के पति की जो जॉब है वो प्राइवेट है, चाह रही हैं कि कुछ स्थितियां को चेंज करें। क्या कर सकती हैं या नहीं कर सकती? मेरे हिसाब से तो डेफिनेटली कर सकती हैं, कुछ साल तो कर सकती हैं, ठीक है। तो वो आप मैं बताऊंगा, ठीक है। बाकी देखते हैं, जब कभी भी यहाँ पर ये रेखाएं आ जाती हैं तो एक तो एक स्वभाव को बताती हैं आपके, ठीक है। और मन में कुछ है, जुबान पे कुछ है, दिल में कुछ है, कहना कुछ चाहते हो, होता कुछ है, ठीक है। मन में जो आ जाएगा वही करना है, थोड़ा सा जिद पकड़ के बैठ जाता है ये। मतलब आप अपनी लाइफ में दूसरा व्यक्ति आपको समझ पाने में थोड़ा सा कमज़ोर महसूस होता है उन्हें, उन्हें ऐसे लगता है कि कुछ ना कुछ व्यक्ति में फ्लक्चुएशंस आ रही है। लेकिन इसे दूसरे तरीके से समझाए तो ये क्या होता है कि ये सौर मंडल से जब ऊर्जा जिस जिस जगह पर पहुंचती है, ये उस उसके ग्रहों की ऊर्जा को, रिफ्लेक्शंस को कम करता है। मान के चलिए आपने यहाँ पर एक पानी का झरना था, यहाँ से पानी यहाँ पर आ रहा है, तो ये क्या करेगा? ये सीधा तो नहीं आ रहा ना। अब ये पहले यहाँ से पानी उतरेगा, फिर यहाँ से उतरेगा, फिर यहाँ से उतरेगा। ये क्या कर रहा है? यहाँ से ये देखो, ये ऐसे। तो ये दिक्कत, जो चीज़ें माउंट पर सीधी पहुँचनी थी ना, वो दिक्कत हो रही है। अब किस किस जगह पर दिक्कत हो रही है? गुरु किसका कारक होता है? गुरु पढ़ाई का होता है, तरक्की का होता है, परिवार का होता है, मकान का होता है, यही होता है ना। बच्चों का कारक होता है, बच्चे पढ़ाई में कैसे निकलेंगे, क्या है क्या नहीं है, वो पता लग जाता है, आपकी पढ़ाई का पता लग जाता है। तो अगर इसमें है तो कुछ तब कुछ ना कुछ दिक्कतों का सामना तो आपको करना ही पड़ेगा। अब शनि की उंगली में भी है तो शनि का भी करना पड़ेगा। शनि किसका कारक बनता है? धर्म का, धर्म का और पैसे का। भाग्य रेखा इसके लेके आती है, आ रहा है। जिस जिस माउंट पर होगा उस माउंट के गुणों को ये कम कर देगा, उसकी स्ट्रेंथ को वीक कर देगा। तो अब आप यहाँ से देखो कि आपकी हर उंगली में कहीं ना कहीं ये एक आड़ी रेखाएं हैं, यानी उसके जो ऊर्जा है जो इन पर्वत पे पड़नी चाहिए थी टाइम से, वो टाइम से नहीं पड़ पा रही, उसमें बाधक हो पा रही है। ये दिक्कत आ रही है, क्या करें क्या ना करें। अब करना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर अपने आप को बंधा हुआ महसूस करती है कि क्या करूं, वो कारण ही यही आ रहा है। एनीवे, अंगूठे को देखो। अंगूठे का फर्स्ट फैलेंज बहुत नुकीला है, करना चाहो बहुत कुछ कर सकते हो। सेकंड फैलेंज अच्छा है, नुकीला है, यहां से कोन निकला हुआ है, ये डायमीटर भी ठीक है, ठीक है। तो चीजें है सब में, हाँ सब में रहा, ठीक है। तो एनीवे, थोड़ा सा ये लाइफ में चतुर चलाक भी बनाता है। जब आपको आपको बात करता है तो आप अपनी बात को रख सकते हो, उसका जवाब दे सकते हो, वो भी यहाँ पर नेचर समझ आ रहा है, ठीक है। अब क्लोजअप ले लेते हैं। अब मैंने आपसे पूछा था ये रेखाएं क्या है, तो आपने कहा सर डाई लग चुकी है, डाई के कारण ये रेखाएं काली हो रही हैं। मैंने कहा ठीक है जी, अब वो एक डाई का एक अलग मैटर आता है, ठीक है। ये बुध का पर्वत है, ये एक बैलेंस्ड है। अभी आप कोई काम नहीं कर रहे, आप करना चाहते हो, आपने लॉ किया हुआ है, आप कह रहे हो कि मैं आगे क्या करूं, क्या मैं कर सकती हूं, नहीं कर सकती हूं? यस कर सकती हूं। वो आपने देखना है कि आपने
लॉ से रिलेटेड करना है, पर बुध कारक किस चीज का बनता है? व्यापार का, वाणिज्य का, संचार का, इन सब का कारक बनता है, कम्युनिकेशन का बनता है, बोलने की कला का बनता है, ये आपको आगे बढ़ाता है, तरक्की का कारक बनता है। तो ये अगर बैलेंस्ड है तो ये आपको मददगार भी बनेगा। ये बैलेंस होना अच्छी है, अपना एक स्पेस, एक अच्छा स्पेस धारण करना, ये एक अच्छा हाथ की निशानी होती है। ठीक है, एनीवे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मुझे कुछ लिमिटेशंस में आपने आपने बांध दिया है कि मुझे डीप में जो रेखाएं मैं टचिंग करके पकड़ता हूं वो मुझे 36 साल से पहले नहीं पकड़नी है, मुझे नहीं पकड़नी है। मेरी लिमिटेशंस में आपने मुझे ऐसा कर दिया कि एक पीएचडी किसी ने, प्रोफेसर है, और उसे कहा कि प्राइमरी क्लास में आप कुछ टाइम आप प्राइमरी क्लास में बैठ जाएं, उसकी हालत क्या होगी? कि वो, उसे समझ नहीं आएगा कि वो क्या है, क्योंकि आपने उसके कुछ टाइम के लिए आपने उसको वहाँ पर बिठा दिया। बस वही हाल है कि मैंने 36 तक मैं बाउंड हूँ कि आपके इस एरिया तक बाउंड हूँ। ये देखो आप, ये है 36 साल आपका, मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन करी थी, मैं यहाँ तक बाउंड हूँ। इससे पहले मैं आपका, आपने कहा मेरा कुछ मत बताइए, आप इससे पहले का कुछ मत बताइए, आप इसके बाद की मेरी लाइफ बताइए। ठीक है, मैं बता देता हूँ, और भाग्य रेखा आप यहाँ पर आप पहुँचे हैं, ठीक है, और उसके बाद की भाग्य रेखा से मुझे आगे बताना है। ये है मेरी लिमिटेशन, ये कैसा एनालिसिस है, ये कैसी सोच है आपकी, मुझे नहीं समझ आई सोच। ये थोड़ा सा मैं अपने आप को नहीं समझ पाया कि क्या कारण आपका निकला, क्या आपकी सोच है। हर आदमी की सोच अलग होती है कि मेरा 36 साल से पहले, इससे पहले पहले का कुछ बताने की जरूरत नहीं, और मुझे उससे आगे का पूछना है। एक आदमी कहता है चलो गड़े मुर्दे क्या उखाड़ना है, वो सोच होती है, पर लेकिन उसमें भी बाउंडेशन नहीं रखता कि सर आप बता देना, पर लेकिन उसमें जो कैलकुलेशंस आप करते हो वो है, वो बता देना, पर लेकिन नहीं, यहाँ बाउंडेशन पे बांध दिया गया। इवन तो चलो कुछ नहीं होता, वो है, बट लेकिन अब कुछ चीज़ों को समझने की ज़रूरत है दोनों हाथों से। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन कि क्या सरकारी जॉब, देखो इस हाथ में एक फॉर्मेशन बनी है, वो क्या कहना चाह रही है, वो क्या कहना चाह रही है। एक रेखा ये है, ये एक रेखा ने इसका साथ लिया, एक रेखा ने इसे मैं शुक्र वाले का नाम लूं, क्योंकि आप लोगों ने सीखा है कोई रेखा यूं से मुड़ जाती है तो उसे शुक्र वाले कहते हैं। नहीं, देखो मुद्दे को समझो, इसे कहूँ शुक्र वाले, इसको कहूँ, नहीं, यहां पर मुझे ये देखना है कि सरकारी इनकी जो जॉब और इन्होंने एक लॉ किया है, क्या उसकी कंपैटिबिलिटी मैच हो रही है या नहीं हो रही है, क्या इनको सरकारी जॉब मिल सकती है, या अपनी प्रैक्टिस करते हैं तो उसको ये आगे कैरी ऑन कर सकते हैं, तो कब तक करें, तो ये रेखाएं क्या कहना चाह रही है, ये उसको रिप्रेजेंट कर रही है। ये बताना चाह रही है कि आप 40 साल तक काम को, अपनी सरकारी जॉब को, जैसे सपोज टीचिंग में कर ली है आपने, आप इससे रिलेटेड आप टीचिंग में करना है, तो उसमें शायद मेरे ख्याल से 42 साल लास्ट होती है ना। तो अब मुझे नहीं मालूम कि किस किस फील्ड में कौन कौन से एज मैक्सिमम होती है, पर आप, मैं आपको 40 साल तक की परमिशन दे रहा हूँ, कोशिश करना चाहो तो कर सकती हैं। ठीक है, कुछ पॉसिबिलिटी लग रही हैं, पर लेकिन फिर भी कोशिश करने में क्या हर्ज जा रहा है, वहां पर क्लिकिंग की संभावनाएं लग रही हैं। ठीक, क्योंकि थोड़ा सा टेस्ट करके देखा तो था, दोनों हाथ को करा, ये देखो यहां पर एक रेखा ने इस रेखा को यहां से यहां टच करा, इस रेखा ने इसको टच करा, ठीक है, फिर एक रेखा ने इसको टच करा। अब
कलर चेंज है, कलर में क्या होता है, मार्क्स में कमी आ जाती है और कुछ नहीं होता। और एक पतली सी रेखा अभी और आगे जाने की कोशिश कर रही है जो कि इन कंपेटिबिलिटी को जब तक मैच नहीं करेगी, ये एज निकल चुकी है, यहाँ तक तो एज आपकी निकल चुकी है, मुझे तो इससे आगे की रेखा पर जो है वो टचिंग देखनी है। और ये रुकी क्यों इस वाले टाइम पीरियड पर, क्यों रुकी? अगर रुकी है तो उसका कुछ ना कुछ मतलब बनता है और वहाँ से कुछ रेखाएं आगे जरूर जा रही है। ये काली रेखा है पर इससे इस रेखा का कनेक्शन बना हुआ है, लेकिन तभी मैं इन कंपेटिबिलिटी को कहता हूँ आप मुझे फाउंडेशन पे मत बांधे, मत बांधे। मैं ये छोटे लेवल का इंजीनियर होता है ना, छोटे लेवल का इंजीनियर वो क्या करता है, कभी ट्रांसफार्मर की तारों को जोड़ते हुए देखा होगा, ट्रांजिस्टर की तारों को जोड़ते हुए देखा होगा, देखा होगा ना, वो टेस्टिंग करता है। तो पामिस्टर हिलर टेस्टिंग करता है कि वो वहाँ मुझे अपने आप को इस एनालिसिस में बांध के रखना पड़ रहा है और कुछ नहीं, बांध के रखना पड़ रहा है। कमी आप में है, मेरे में नहीं है। पैसे खर्च कर रहे हैं एनीवे, क्योंकि कुछ चीज़ें शुरू से आखिर तक में चीज़ों को टेस्टिंग करके ही समझ आती हैं। अब ऊपरी ऊपरी चीज़ें हो रही, समझ में आई नहीं है। एक कोई बड़ी बात नहीं कह रहा, कोई एक ऐसा राजा हो जिससे आप उसके पास गए और उससे पास में जाकर आप ये बात बोलो कि राजन मेरा घर का गुजारा नहीं हो रहा, तो वो क्या करेगा, मुझे कुछ रोटी दे दीजिए, तो वो क्या कहेगा? वो देने को वो आपको घर दे सकता है, नौकरी दे सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन आपने मांग ली रोटी खाना, तो वो राजा क्या करेगा, खाना ही देगा आपको, खाना ही देगा। दे सकता था, वो मांगने का तरीका होता है। एनीवे, अब हर आदमी की सोच ऐसी होती है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ये आपकी सोच है। एनीवे, ये कंपेटिबिलिटी, ये वाली लाइन जो है ना, ये क्यों आई, ये क्यों आई? पहला मकसद इसका ये था, और दूसरा मकसद अगर ये था यहाँ पर, अगर इस टाइम पीरियड पर इसका कनेक्शन इस वाली रेखा के साथ भी जोड़ना जरूरी था, क्योंकि यहाँ पर इस रेखा ने इसका सहारा ले रखा है और ये सूर्य पर्वत, अब यहाँ पर तो कुछ और मतलब बता रही थी। एनीवे, उसे मैंने इग्नोर कर दिया, क्यों? क्योंकि आपने कहा कुछ नहीं पता। अब मैं आगे चला, ठीक है, अब यहां पर हम पहुंचे तो ये कंपेटिबिलिटी यहां पर टेस्टिंग पे पूरी हो रही है, पूरी हो रही है, ठीक। इसकी ये रेखा यहां पर जा रही है, जा रही है, तो मेरी कैलकुलेशन क्या आ रही है, 40वें साल पर आ रही है। ये दोनों रेखाएं वहीं पर मैच होती हुई दिखाई दे रही हैं। यहां पर हम चलते हैं, भाग्य रेखा पर चलते हैं, तो भाग्य रेखा पर यहां से लेकर यहां तक का थोड़ा सा क्लोजअप में और दिखाने की कोशिश करता हूं। ये क्लोजअप है, इस क्लोजअप में आप देखो यहां से लेकर ये आपका 36वां साल है, और जैसे ही आप यहां पर आते हो तो ये एक रेखा एक्टिवेट हो चुकी है, एक ये हो चुकी है। तो अब अगर आप, मैंने आपसे कहा कि आप 40 साल तक अपनी लाइफ में गवर्नमेंट सर्विस के लिए पेपर देना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं, आप दे दीजिए, पर लेकिन कुछ रेखाओं का कलर इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, कुछ मार्क्स का चक्कर रह सकता है, कुछ अड़चनें आ सकती हैं, क्योंकि तुक्के की पामिस्ट्री क्या कहती है, जब ये रेखा आती है तो क्या होती है, लाभ करवाती है। लेकिन आपने क्या कर रखा था, कंपेटिबिलिटी क्या, लॉ के लिए, लॉ के लिए मैं क्या कहता हूँ कि जो हार्ट लाइन होती है, हार्ट लाइन को कैप्चर जरूर करना पड़ता है गुरु पर्वत को। अब यहाँ पर ये क्या कर रही है, ये तो सीधे चल रही, इसकी जो फॉर्मेशन है वो तो कुछ और बताना चाह रही है, पर इवन देन ये तो यहाँ पर आकर मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ से इसको ऊपर उठाना जरूरी था, इसको कैप्चर करना जरूरी था, तभी आपने अपनी लॉ करी, ठीक है। तो मुद्दा क्या था, मुद्दा ये था कि इवन देन आपको तरक्की को राह आपको दिखाई जाए। कोई आपके हस्बैंड के अगर उनके घर की कोई प्रॉपर्टी है या कुछ है, या आपके घर में है, कुछ ना कुछ आपको
जरूर मिलेगा आपके घर वालों से, वो इंडिकेशंस भी यहाँ मैच हो रही हैं। ठीक है, एनीवे दूसरा मुद्दा ये था कि ये क्या काम, आप कौन से कामों में आपको, अगर सपोज आप ये नहीं करती, प्रैक्टिस नहीं करती, कुछ और नहीं करती, तो क्या कर सकती हैं यहाँ पर? यहाँ पर आपने गुरु से रिलेटेड काम ही करने हैं, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये रेखा भी वही इंडिकेशन दे रही है, ये भी वही दे रही है। मुद्दा क्या है, गुरु के और कौन से काम होते हैं? एक तो देखो यही हो गया, सरकार की तरफ से हो गए, ठीक है, शिक्षा की तरफ से हो गया, शिक्षा में आप जा सकते हैं, वैसे टीचिंग लाइन बोला था या कुछ और बोला था, वो कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपने देखना है। पर लेकिन मैं अभी से लेकर 40 साल तक थोड़ा सा स्ट्रगल टाइम देख रहा हूँ, वो अभी दिखाऊंगा जब मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, अच्छा, वैसे अगर बुध को देखें तो यहाँ पर ये देखो, ये रेखाएं ये चल रही हैं, ये क्या कराती हैं, तरक्की कराती हैं। आदमी के अंदर टैलेंट होता है, उस टैलेंट को निखारना होता है। वो अब मे भी देखो, हाथ की रेखाएं इस तरीके की हैं कि परिस्थितियों के हिसाब से आप अपने आप को फंसा हुआ पा रहे हैं, करना बहुत कुछ चाहते हो, मुसीबतें कहीं कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ वो आ रही है। एनीवे अब मुद्दा ये आता है कि हृदय रेखा थोड़ी सेंसिटिव है। सेंसिटिव होने के बाद क्या होता है कि आप अपने अपने जितने भी परिवार के लोगों को इस एज पे, 36वें साल पे, पहले नहीं बात बता रहा, 36वें साल पर थोड़ा क्रूशल हो चुकी हैं, थोड़े पोजेसिव हो चुकी हैं, कुछ ऐसा सोच आ रही है कि परिस्थितियां बिगड़ गईं तो क्या होगा। इस वक्त ऐसी सोच सही नहीं है आपकी हेल्थ वाइज। रीज़न क्या होता है कि ये जब भी इस ढंग से चल रही, वैसे तो बहुत कुछ बताना चाहती हैं पर लेकिन मैं चुप हूँ, पर लेकिन जब भी ऐसे चलती हैं तो क्या कहती हैं कि कुछ प्रॉब्लम आ सकती हैं, हेल्थ वाइज भी प्रॉब्लम आ सकती हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना, खर्चों का स्तर को कम करना है, कर्जों के स्तर को भी कम करना है। कर्जा अगर लेना पड़े तो सोच समझ कर ही लेना, नहीं तो हाथ तो कह रहा है कि ला सकता हूं कर्जों में, सोच समझ कर। ठीक है, सोच समझ कर, हर कदम सोच समझ कर आपने उठाना है। पैसे किसी को उधार नहीं देने, यहां पर कुछ फॉर्मेशंस ऐसी बनी हुई हैं कि पैसे नहीं देने। अब आपके यहाँ पर कुछ रेखाएं हैं, वो रेखाएं कंपैटिबिलिटी क्या मैच कर रही हैं कि आपने सपोज आपने आगे कुछ करना हो, क्योंकि तो यहाँ पर भी कुछ और चीज़ें हैं, पर इवन देन कुछ करना हो आपने, लॉ से रिलेटेड प्रैक्टिस करनी हो, तो क्या है, कोर्ट कचहरी जो है आना जाना लगा रहता है, तो वो भी इंडिकेशंस हैं यहाँ पर। तो आप कर तो सकते हैं पर लेकिन अभी शुरुआती टाइम पीरियड दिक्कत का रहेगा, दिक्कत का रहेगा, कर तो सकते हैं। ठीक है, कोशिश करो, क्योंकि अभी दिखाता हूं मैं आपको, कोशिश क्यों कह रहा हूं, कोशिश करो। एक तो थोड़ी सी हेल्थ का ध्यान रखना, क्योंकि ये रेखाएं जब ये निकलती तो बेनिफिट के लिए, पर लेकिन यहाँ पर रिपेयरिंग हो चुकी है, तो हेल्थ वाइज आपको 43 तक थोड़ा सा अपना ध्यान रखना पड़ेगा। 43 तक हेल्थ आपकी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। ठीक है, थोड़ा सा शुक्र एरिया भी डिस्टर्ब्ड है, इसलिए कह रहा हूं। एक और बात बता दूं, आपने बच्चे की बात करी थी, इस टाइम पर आप रिस्क कम लें तो ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि एक तो शुक्र एरिया और एक केतु पर ये एक जो निशान बने होते हैं, ये क्या करता है, एसिडिटी को भी बढ़ाते हैं, थोड़ा सा दिक्कत भी लाते हैं। इस एज में जैसे ही 36 और 40 के बीच में बैठेंगे ना, तो यहाँ दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, प्रेगनेंसी में भी दिक्कत आती है, तो चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होनी शुरू हो जाती हैं। तो थोड़ा सा जब भी लें तो एक गायनोकोलॉजिस्ट से सलाह लेकर ही आप आगे बढ़ें, क्योंकि ये रेखाएं
अब जिस एज पर रिफ्लेक्शन कर रही हैं वो दिक्कत दे सकती हैं। ठीक। अच्छा, अब मैं जो आपको बताना चाह रहा था वो ये बताना चाह रहा था, देखो हम यहाँ पर हैं इस वक्त, ये 36वां साल है, ये ऑफशूट तो अच्छा है, ऑफशूट तो देखो ये जो है कुछ करना चाहने की तमन्ना जो है वह 34 से 33.5 से ज़्यादा बन रही है, कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है, पर लेकिन बात नहीं बन पा रही है। क्यों? क्योंकि ये ऑफशूट अगर ऐसे चलता ना तो ज़्यादा तरक्की होती, ऐसे ऊपर की तरफ जाता। अब ये क्या कर रहा है, पैरेलल की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, ये पैरेलल की तरफ जब जाता है तो इतनी तरक्की नहीं होती है, लेकिन सोच होती है कि व्यक्ति की मैं कुछ करूँगा तो वो कर सकता है। फिर भी इसमें आपने देखना है जी, 36 से लेके 38 तक का जो सफ़र है, देखो यहाँ पर हम, यहाँ पर थे सॉरी, ये है 36 का, 36 से लेकर ये देखो ये और ये, मैंने 40 बोला, 40 के बाद से ये कनेक्शन और ये कनेक्शन आप देख रहे हो, देख रहे हो ये मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है ना। तो आप अपनी लाइफ में अभी अगर कोई स्टेप उठाना चाहो तो उठा लो, क्यों? क्योंकि साथ साथ आपने कोई प्रैक्टिस करनी है, मैं वो भी करते रहूँगा। मैं आपको एक नज़रिया बताना चाह रहा हूँ कि आप कहाँ क्या कर सकते हो, तो साथ साथ पढ़ाई भी करते रहो आप। ठीक है, छोटा आपने अपनी प्रैक्टिस करनी है, कोई टीचिंग का, कोई ट्यूशन का, या कुछ मुद्दा क्या है कि कमाई हो सकती है, आप अच्छी अच्छी चीज़ों को आपने वेस्ट कर दिया, वेस्ट कर दिया, कर सकते थे, भावनाएं तो हैं लेकिन वेस्ट कर दिया आपने, वो रेखाएं ही हैं, वेस्ट आपने क्या कर दी हैं, वो रेखाएं बता रही हैं कि ये दिक्कत तो आएगी आएगी। ठीक है, एनीवे, पर लेकिन अगर अब करते हो तो 40 से लेकर आप यहाँ पर 46 साल तक आप अपनी लाइफ को ठीक से, वैसे 46.5 आ रहा है यहाँ तक, ठीक है, उसके बाद से कुछ दिक्कत आएगी 1-1.5 साल की, फिर थोड़ा सा आप आगे फिर कोशिश करोगे। मुद्दा क्या है, कमाई तो हो सकती है। उधर से मैंने 40 पे क्या कहा था कि आप, आपकी जॉब के भी चांसेस लग रहे हैं, तो क्वेश्चन क्या था कि क्या मैं अपने पति की मदद करूं? जी हाँ कर सकती है, जी हाँ आप काम कर सकती है, जी हाँ आप आगे बढ़ सकती हैं, हौसला मैं दे रहा हूं, बढ़ना आपने। ये 52 साल, ठीक है, 54 साल, लेकिन क्या होता है इसी के पीछे से जब ये रेखाएं निकलती हैं ना, तो ये खर्चे भी बहुत कराती है, टेंशन्स भी बहुत देती है। तो ये नहीं है कि आपने केवल, एक तो ज्यादा कमाई नहीं है आपके हाथ में जो आपकी रेखाएं कह रही हैं, लेकिन उसके ऊपर से टेंशन्स भी बहुत हैं, बच्चों की जिम्मेदारियां भी बढ़ती रहेंगी, खर्चे भी होते रहेंगे। तो मुद्दा क्या है कि कंक्लूजन क्या निकलता है आपके हाथ का, 36 से लेकर अगर मैं आपकी पूरी लाइफ का यहाँ पर 69 तक का पूरा कंसर्न निकालता हूँ, जिसमें हेल्थ भी आपकी, जब ये पीछे से रेखाएं निकलती हैं तो ये परेशानियां भी देती हैं, परेशानियाँ भी देती है। मैंने वैसे आपको कौन से एज तक, 43 तक शायद पहले बोला था, लेकिन मुद्दा क्या है कि जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो, कुछ और फैमिली मेंबर, उनकी प्रॉब्लम, खर्चे, बच्चों की, जब ये रेखाएं जब पीछे से निकलती हैं तो ये क्या करवाती, ये सब कुछ काम आपकी लाइफ में होते रहेंगे, खर्चे भी बढ़ेंगे। अभी तो मैंने आपके हस्बैंड का हाथ नहीं देखा, आपके हाथ के हिसाब से बता रहा हूँ कि वहाँ पर ये शो कर रही है कि कमाई होगी, खर्चे भी होंगे, टेंशन भी है, और आप मैं आपसे कह रहा हूं कि आप आगे बढ़ो। बीमारी का जो मैक्सिमम टाइम पीरियड आपने, आपकी लाइफ में आ रहा है, वैसे तो लगातार जैसे 43 था, 43 के बाद फिर थोड़ा सा टाइम ठीक रहेगा, फिर आपको 47 में भी ध्यान देना है, 47 के बाद फिर आपको ध्यान देना है, 53 पे ध्यान देना है। तो मुद्दा क्या है कि अगर इतना ध्यान देना ही है तो शुरू से ही दे दो ना, क्यों उस साल की तरफ देखते रहो कि मैं उसी साल में बस ध्यान दूंगी, ध्यान दो। घर के काम से एक्चुअल में फीमेल जो होती है ना, वो कहती है हम तो सारा काम करते हैं, झाड़ू पोछा और सब कुछ हम तो सारा काम करते हैं, पर लेकिन इससे एक्सरसाइज नहीं हो पाती है,
इससे आप वो एक्सरसाइज नहीं कर पाते जो शरीर को चाहिए। आप सुबह वॉक जाओ, कैमल वॉक करो, योगा करो, शाम को खाना खाने के बाद वॉक करो, तो उससे क्या होगा, प्रॉपर आपको आपका जो हेल्थ है वो प्रॉपर रहेगी। हाथों की एक्सरसाइज करो, पैरों के चल चल लिया आपने, लंबी लंबी सांसें लो, उससे क्या होगा, आपका हार्ट पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, आप एक्टिव रहोगे। ठीक है, क्या काम कभी वहाँ पर क्या होता है, घर के कामों में थक जाता है, हाथ ही हिलते रहते हैं, पैर से थकावट होती रहती है, और आदमी सोचता है मैं तो सुबह से शाम तक लगा हुआ हूँ, तो अब मुझे, मेरे पास टाइम ही नहीं है, और वो बीमारियों का घर बन जाती है फीमेल। तो मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो थोड़ा सा हेल्थ को संभाल के रखना, जिस जिस टाइम पीरियड पे मैंने आपको बोला है वहां पर, और आप आगे बढ़ते रहो। देखो ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, ये ओवरलैपिंग का मतलब यह है कि एक ऑफशूट यहां से लेकर यहां खत्म हुआ, अब इसने क्या करा कि ये एक ओवरलैपिंग आ चुकी है, यानी ये कुछ मदद कर रही है, यहीं से दिक्कतें शुरू हो जाएंगी आपको, यहीं से दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। जब ये एक फॉर्मेशन आपकी वो शो करके बता रहा है कि भैया आपका ये यहाँ पर एक ख़त्म हो रहा है, एक ये यहाँ से यहाँ तक ख़त्म हो रहा है, तो अगर आप ये यहाँ पर 53 साल में ख़त्म हो रहा है, और ये ओवरलैपिंग एक एग्जांपल बता रहा हूँ जो आपकी हाथ की रेखाएं हैं, और ये यहाँ पर 49 साल से शुरू होता है, 49 से 53 का जो सफ़र होगा ना, ये आपको कठिनाई वाला शुरू हो जाएगा। क्योंकि ओवरलैपिंग का मतलब ही क्या है कि ये खत्म हो रहा है, इसके बाद शुरू हो रहा है, और ये कब तक चल रहा है, ये एक्चुअल में तो सहारा उसका 2 साल का ही था, पर लेकिन उसने कुछ मदद दे दी उस टाइम पे, संभाल, यानी 53 से 55 तक, 55 तक तो चलो सही है, उसके बाद का क्या सफर है, अब ये यहां से चल रहा है, तो यानी ये वाला टाइम यहां तक आएंगे तो फिर आपको रिलीफ मिलेगी। मुद्दा क्या है, मुद्दा यही है। तो इन पामिस्ट्री को इस हिसाब से नहीं समझा ना, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जो मैंने कैलकुलेशंस बताई हैं, पॉज करके वीडियो को वो साल आप देखो कि हाँ यहाँ से यहाँ तक मेरा सही निकलेगा, जैसे 40 से लेकर ये वाला, अब ये रेखा यहाँ पर आ चुकी है, अब ये क्या करेगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक का सफ़र आपको 46 साल तक का ये देगी, जिसके अंदर 44वें साल में दिक्कत आ जाएगी, ये देख रहे हैं आप। ठीक है, फिर ये ओवरलैपिंग आ चुकी है, यानी यहाँ से लेकर जो मैं बोल रहा था 44 44 से ही दिखते शुरू हो रही है, फिर जब ये ख़त्म होगा यहाँ से ये फिर शुरू होगा, लेकिन ये पीछे रेखा जब चल रही होती है यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या होता है, ये बीमारी भी देती है, खर्चे भी कराती है, टेंशन भी कराती है, सब कुछ कराती कराती है, नहीं कराती है, तो ये वो रेखाएं। ठीक, समझ आ गई। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि सर क्या मैं सरकारी जॉब करें, आप 40 साल तक करें कोशिश, क्या मैं प्रैक्टिस कर सकती हूँ, लॉ को आगे बढ़ा सकती हूँ, वो भी करो, कोई और काम कर सकती हूँ उसके अलावा, आप सोचती हैं यस करो, वो शिक्षा से रिलेटेड करो, टीचिंग से रिलेटेड करो, ट्यूशन से रिलेटेड करो, ठीक है, सरकारी काम से रिलेटेड करो, डेफिनेटली तरक्की मिलेगी, लेकिन तरक्की का स्तर ज़्यादा आप मत सोच के रखना, बस मिलेगी और आपके काम भी बनते रहेंगे, इसी काम में आप अपने हाथ को लोन में मत ले जाना। यानी मुद्दा क्या है कि सपोज आपने घर खरीदना है, जब ये यहाँ पर बनता है ना, तो बता क्या होता है, आपका काम चल रहा होता है तो आप सोचते हो ये काम तो चल ही रहा है, चलो मैं ना घर खरीद लेते हैं, लोन पे ले लेंगे हम, लेकिन जब ये ओवरलैपिंग पे जब ये चीज़ें आती हैं तो यहाँ पर दिखते आ रही हैं, फिर EMI के चक्कर में फंस जाओगे, फिर उधर से जो आपने क्वेश्चन पुटअप करा कि मेरे हस्बैंड की जॉब प्राइवेट है तो कहीं यहाँ डिस्टरबेंस शो करे, अगर वो चीज़ होगी तो सारी जिम्मेदारी आप पे आ जाएगी। तो जो पैसा है उसे सेविंग में डालते रहो, 4 साल सेविंग में डाल लो, कुछ नहीं होता, इतनी जल्दबाजी नहीं करो, 4 साल डाल लो, 6 साल डाल लो, फिर देखो कि हाँ 6 साल तक मेरे बिजनेस में उतार चढ़ाव कितना आया, फिर आपको कैलकुलेशन समझ आने लग जाएंगी आपकी लाइफ में, फिर आप कदम उठाओ कि अगर मैं इतने का लोन लेती हूँ तो इतनी किस्त आएगी, अब मेरी EMI में कम बन जाएगी,
पहले जल्दबाजी करोगे दिक्कत आएगी। आपके में यही एक आपको सलाह देना चाहता हूं इन रेखाओं को देखकर के, बाकी बस यही कहूंगा और क्या कहूंगा। कुछ रेखाओं में आपने मुझे बांध के रखा हुआ है, वो मैं क्या बताऊं। ठीक है, मैरिड लाइफ, मैरिड लाइफ अब की लाइफ तो आपको ठीक रहेगी, ऐसे कोई ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस तो रहती रहती है, वही चीज़ें हैं, कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है। और बच्चे, तीसरे बच्चे के लिए जो आप सोच रही हैं वो थोड़ा सा उसमें दिक्कत आ सकती है, क्यों, क्योंकि जो रेखाएं बता रही हैं वो थोड़ा सा एक दो बारी मिसकैरेज के भी संभावनाएँ बता रही हैं। ठीक है, तो स्पाइसी चीज़ हो गई, जंक फूड हो गए, पेट खराब होना, एसिडिटी होना, अगर दोनों में से किसी को भी ये सारी चीज़ें हैं तो ये प्रॉब्लम आएगी। गुरु भी थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है तो वो भी 90 डेज़ के अंदर मिसकैरेज करने की सोचता है। तो इस तरफ से थोड़ा सा गायनेकोलॉजिस्ट को आप थोड़ा सा कंसल्ट करें, तब आगे आप बढ़ना। कंक्लूज़न क्या निकलता है आपकी, आपके हाथ का, कि आप बढ़ो, आगे बढ़ो, और जो आप फंसे हुए हो, गृहस्थी में फंसे हुए हो, वहाँ से एक स्टेप अभी से निकालने की कोशिश करो। दिक्कतें आएंगी, डेफिनेटली आएंगी, 40 साल तक दिक्कतें आएंगी उस चीज़ से लेकर, पर लेकिन 40 के बाद से वो कुछ फॉर्मेशंस आपको सुधार लाएगी पैसों में, और फिर जैसे जैसे मैंने आपको बताया वैसे वैसे हो। ठीक है, पर लेकिन आगे से मैं सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ, प्लीज़ थोड़े से माइंड को एनलार्ज करके, बड़ा करके, ब्रॉड माइंडेड होकर एनालिसिस करवाई, मुझे बंदिशों में मत बांधे। अगर कौन सा आपको उपाय ज़्यादा करना पड़ेगा, आप एक सूर्य का उपाय करें, जो सूर्य आपको मेजर प्रॉब्लम दे रहा है स्थिरता के लिए। ठीक है, एक सूर्य और एक राहु का उपाय जरूर कीजिएगा। कुछ रेखाएं इस रंग से चल रही हैं जो कि मैंने जो देख तो ली थी, पढ़ तो लिया था, लेकिन फिर भी राहु का उपाय आपको बनता है। ठीक है, तो दो उपाय आप ले लीजिए। गुरु के उपाय को अब की टाइम पीरियड के बाद से नहीं देना चाह रहा मैं, जो उसने इम्पैक्ट डालना था डाल चुका है। एनीवे, अगर एनालिसिस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट शुरू कीजिएगा। धन्यवाद।